Pushpa 2 trailer is out, guys, and it has almost 82 million views. 82 million. अब ये तो होना ही था क्योंकि पुष्पा 1 ने इतना इम्पैक्ट डाला था कि हम एक्सपेक्ट करते थे कि ट्रेलर यहाँ पे होगा, पर डायरेक्टर ने तो पूरी एक्सपेक्टेशन ही लाइक क्रॉस कर दिया बार. अभी मूवी में एक्चुअली देखना है कि होगा, बट आई एम हियर टू नॉट डिकोड द ट्रेलर. मैं आपको सिर्फ आपको ये समझाने वाला हूँ कि हमने जो ये ट्रेलर देखा है ना, वो विजुअली एक मास्टर क्लास है, और विजुअली ये मास्टर क्लास लाइक सिनेमेटिक मास्टर क्लास है. और ये ऐसा बनाने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए डायरेक्टर ने क्या सोचा होगा, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ. और ये भी डिकोड करेंगे कि पुष्पा 2 का लोगो ऐसे क्यों दिख रहा है, रेड कलर में क्यों है, वुडन वाला टेक्सचर क्यों दिख रहा है. लेट्स डिकोड. सो फर्स्टली विल डिकोड द पुष्पास कैरेक्टर. अगर आपने पुष्पा 1 देखी होगी तो वहां पर हमें पता है कि पुष्पा एक छोटे से घर से आता है, जहां पर वो एक सैंडलवुड के कारखाने में काम कर रहा था बॉस के नीचे, पर उससे वहां वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, उसको एज अ वर्कर ट्रीट किया जा रहा था. तो उसने एटीट्यूड की वजह से वो काम छोड़ दिया, उसने पैसों के बारे में नहीं सोचा. अगर हम पुष्पा का फर्स्ट हाफ भी अगर देखें तो वहां पर पुष्पा को ऐसे ही एस्टेब्लिश किया गया है कि वो नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड है, तो वो अर्थी वाली फीलिंग आती है, एकदम रॉ दिखता है पुष्पा. और यही सेम चीज हमें लोगों में दिखा दी गई है कि अगर पुष्पा 1 और पुष्पा का और पुष्पा 2 का, तीनों का अगर हम लोगो देखें तो वहां पर टेक्सचर मिलता है वुडन का. तो ये सारी चीजें कनेक्ट होती है वुड से, तो यहाँ पे स्टोरी मैटर करती है. पुष्पा का कैरेक्टर नहीं, पुष्पा का कैरेक्टर एक इम्पैक्ट छोड़ के गया है, पर पुष्पा का कैरेक्टर बिल्ड हुआ है वुड से. सो नेवर फॉरगेट अबाउट द स्टोरी. स्टोरी डिसाइड करती है कि कैरेक्टर क्या करेंगे, पिक्चर कैसे बनेंगे, स्टोरी लाइन क्या होगी, कैसे शूट होगा. पुष्पा 2 का ट्रेलर मैंने फर्स्ट टाइम देखा भाई, मैं माइंड ब्लो हो गया कि विजुअली क्या सिनेमेटिक मास्टरपीस दिखता है, क्या कलर्स यूज किए, कितने वाइब्रेंट कलर यूज हुआ है. आप नोटिस करो तो पुष्पा की कार जो फर्स्ट में थी रेड कलर की, पुष्पा 2 में हेलीकॉप्टर दिखाया है वो भी रेड है. पुष्पा जो पैंट पहनता है वो भी रेड कलर के पहनता है. सैंडलवुड पे जो कलर है वो भी रेड है. पुष्पा 2 का लोगो वो भी रेड है. पुष्पा का लोगो वो भी रेड है. तो ये सारी कलर चॉइस भी है ना, बहुत मैटर करती है, क्योंकि पुष्पा को लाइक कनेक्ट किया गया है रेड कलर से. तो रेड क्या सिम्बलाइज करता है, एक बोल्डनेस, एक अग्रेसिवनेस, एक डेंजर दिखाता है. और ये सारी चीजें आपको पुष्पा के कैरेक्टर में दिखेगी, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं है, उसको जो करना है वो करता है. तो ये सारी क्रिएटिव चॉइसेस फिल्म मेकिंग के वक्त लेनी होती है, और ये सारी मतलब स्टोरी के साथ कनेक्ट होती है. ऐसा ही नहीं कि भाई मुझे रेड लेना था या फिर ऑरेंज दिखाना है, मुझे ब्लू दिखाना है तो मैं दिखा दूं, नहीं, इट हैज टू कनेक्ट विद द स्टोरी. अब पुष्पा 2 के ट्रेलर में हमें पुष्पा ब्लू कलर में दिखा है, और वो शायद कनेक्ट होता है शिव भगवान. अब ये एक मैं सिर्फ लॉजिक बिठा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं है कि मूवी में क्या होगा. एंड पुष्पा 2 देखने के बाद उसका भी कुछ रिव्यू कर देंगे, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और हाँ, आपको और कुछ डिकोड करवाना हो मुझसे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे काम देना, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट किस पे काम करना है. ठीक है, मिलते हैं.